नमस्कार हिंदुस्तान, आज हम बात करेंगे काली सिंध नदी के बारे में। काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर समाप्त होती है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये कहाँ कहाँ बहती है एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। काली सिंध नदी उत्तर भारत के मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में बहने वाली एक नदी है। यह चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी है और यह यमुना नदी तंत्र के अंतर्गत आती है। काली सिंध नदी का उद्गम या काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश राज्य के देवास जिले के बागली के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से काली सिंध नदी निकलती है। काली सिंध नदी का मुहाना या काली सिंध नदी कहाँ समाप्त होती है? राजस्थान के कोटा जिले के नौनेरा गांव में काली सिंध नदी चंबल नदी में मिल जाती है। काली सिंध नदी की लंबाई लेंथ ऑफ काली सिंध रिवर, काली सिंध नदी की कुल लंबाई है 351 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में लंबाई 206 किलोमीटर, राजस्थान में लंबाई 145 किलोमीटर। काली सिंध नदी की सहायक नदियाँ आहू, परवन, निवाज, चंद्रभागा, उजाड़। काली सिंध नदी दो राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान। काली सिंध नदी इन प्रमुख जिलों से होकर बहती है। मध्य प्रदेश के जिले देवास, शाजापुर, राजगढ़। राजस्थान के जिले झालावाड़, बारां, कोटा। काली सिंध नदी इन प्रमुख शहरों से होकर बहती है। मध्य प्रदेश के शहर सोनकच, नरसिंहगढ़। राजस्थान के झालावाड़, झालरापाटन। काली सिंध नदी पर बने बांध या डैम, पहला काली सिंध बांध। यह बांध काली सिंध नदी पर बना प्रमुख बांध है जो कि राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। दूसरा कुंडलिया बांध, कुंडलिया बहुउद्देशीय परियोजना बांध मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सिरपोई गांव में बना है। इस बांध के 11 दरवाजे हैं। काली सिंध नदी किनारे ऐतिहासिक स्थान, पहला सोनकच्छ, जिला देवास, मध्य प्रदेश। दूसरा सुंदरसी, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के समान। तीसरा सारंगपुर, राजगढ़, मध्य प्रदेश। चौथा नलखेड़ा, शाजापुर, मध्य प्रदेश। पांचवा सोयत कला, बाएं किनारे पर सोयत कला, झालरापाटन, झालावाड़, राजस्थान। सातवा झालावाड़, राजस्थान, दाहिने किनारे पर। आठवा पलेया दुर्ग, दाहिने किनारे पर। काली सिंध नदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य एवं जानकारी, पहला काली सिंध नदी चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी है। दूसरा चंबल नदी यमुना नदी में मिलती है, यमुना नदी गंगा नदी में मिलती है। नंबर तीन काली सिंध नदी मालवा क्षेत्र के सबसे बड़े हिस्से में बहती है। काली सिंध नदी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। नंबर चार एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट काली सिंध नदी में राजस्थान के कोटा जिले के बसेलियो, मजोला, सेरोलखेड़ा नामक जगहों पर मिलता है। नंबर पाँच काली सिंध नदी देवास मध्य प्रदेश से निकलकर मध्य प्रदेश स्टेट हाईवे 18 इंदौर भोपाल हाईवे को सोनकच्छ के निकट काटती है या पार करती है। छठवा काली सिंध नदी मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से बिंदा गांव, जिला झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। नंबर सात गागरोन का दुर्ग राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। यह काली सिंध नदी और आहू नदी के संगम पर स्थित है। यह दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। नंबर आठ काली सिंध नदी उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। नंबर नौ परवन नदी राजस्थान के 12 जिले में काली सिंध नदी में मिलती है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।